हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे पोहा मूंगफली की नमकीन, जो कि हम इसे सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल में बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छी नमकीन बनेगी। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा और बहुत ही क्रिस्पी करारी नमकीन आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल से। तो आइए इस नमकीन को हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर हम एक बर्तन चढ़ा देंगे। बर्तन जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें पोहा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम पोहा लिया है, ये देखिए 500 ग्राम पोहा हमने ले लिया है। अब इसे हम पूरा ही इसमें डाल देंगे, आप जितना चाहें उतना कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोहे को इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हम एक भी चम्मच ऑयल का यूज नहीं किया है, इसे ऐसे ही हम भूनेंगे। आप चाहें तो इस तरह से 2 चम्मच ले सकते हैं इसे रोस्ट करने के लिए। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको इसे तोड़कर दिखा रही हूँ, अभी ये बिल्कुल टूट नहीं रहा है। इसके बाद जब इसे हम रोस्ट कर लेंगे उसके बाद फिर से मैं आपको इसे तोड़कर दिखाऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी भुन जाता है ये, बिना ऑयल के ही बहुत ही अच्छा ये नमकीन बनकर तैयार होगा। मैं इसे एक ही स्पून से इस तरह से इसे चलाऊंगी। ये देखिए इसी तरह से इसे भून लेना है, इसे लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। लो फ्लेम पर ही ये अच्छे से भून जाता है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हम तोड़कर दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से भुन गया है, बहुत ही क्रिस्पी हो गया है पोहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिना ऑयल के बहुत ही जल्दी ये भुन जाता है, सिर्फ 5 मिनट में ये भुनकर तैयार हो गया है। ये देखिए 5 से 7 मिनट लगेगा आपको इसे भूनने में। और फिर से हमने वही बर्तन चढ़ा दिया है गैस पर और इसके बाद हम इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज करेंगे और इसमें हम डालेंगे मूंगफली। बस इतने ही तेल से हम पूरी नमकीन बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे इस तरह से लो फ्लेम पर हम भून लेंगे मूंगफली को क्रिस्पी होने तक। ये देखिए इसे भी ऐसे चलाते रहना है, मूंगफली भी जो है बहुत ही जल्दी भून जाती है। ये देखिए इस तरह से इसमें क्रैक्स आने लगे हैं मूंगफली में, तो मूंगफली जो है भुन गई है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से। तो इसी तरह से आपको मूंगफली भूनकर तैयार कर लेना है। मूंगफली को बिल्कुल क्रिस्पी भूनना है, नहीं तो नमकीन जो है वो टेस्टी नहीं बनेगी, खाने में अच्छी नहीं लगती है अगर मूंगफली क्रिस्पी नहीं रहेगी तो। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा नारियल, जिसे हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है पतला पतला, और इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो इस तरह से इसे लो फ्लेम पर भून लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश डाल दिया है, लगभग 1 मुट्ठी के करीब। किशमिश को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसे भूनना है कुछ सेकंड के लिए। किशमिश को हम अगर ज़्यादा भून लेते हैं तो ये फूल जाती है, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमें किशमिश को बहुत ही कम भूनना है। यहाँ पर हमने बस इसे कुछ ही सेकेंड भुना हुआ है किशमिश को। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है हमने और यहाँ पर हम किशमिश और नारियल को निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर किशमिश जो है बिल्कुल भी फूली नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, बादाम को भी इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। बादाम भी बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर काजू भी ऐड कर सकते हैं, फिर मखाने ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद हो तो इसमें थोड़े से भुने हुए चने भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बादाम को भी भून लिया है, अब इसे भी निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया था, इतने में ही हमने सारी चीज़ों को भून लिया है और इतना ऑयल बच गया है। तो इसी में हम जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर सौंफ डाल दिया है, और इसके बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर 4 से 5 मिर्च को इस तरह से
बीच से चीरा लगाकर बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया है और इसे भी फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और करी पत्ता को भी हम फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए ही, बहुत ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना है। और गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर तेल जो है गरम है तो इसी गरम तेल में हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे साइड में कर देंगे और बीच में जो तेल है यहीं पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो एक बड़ा चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज किया है। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर को हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो पोहा को भून कर रखा हुआ था इसे भी डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो मूंगफली, बादाम और किशमिश ये सब भून के रखा हुआ है, सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने चाट मसाला एक चम्मच डाल दिया है और एक चम्मच अमचूर पाउडर। और इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे सादा नमक और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें इसे मिलाने के बाद ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिला देना है। और हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पीसी हुई चीनी एक चम्मच डाल दिया है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा टेस्ट नमकीन का बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मीठा टेस्ट नहीं पसंद हो तो आप इसमें चीनी को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और ये पोहा मूंगफली की नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे सिर्फ दो ही चीज़ों से बना सकते हैं। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल क्रिस्पी टेस्टी नमकीन बनकर तैयार हो गई सिर्फ दो चम्मच तेल से। तो आप इसे बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी नमकीन। तो इस तरह से इसे, ये देखिए ठंडा करके, आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 1.5 महीने तक आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। इस नमकीन को स्टोर करने से पहले इसमें का जो हरा मिर्च है, इसमें हमने जो हरा मिर्च डाला हुआ है उसे हटा दीजिए, उसके बाद ही आप इसे स्टोर करिए। और ये देखिए कितनी अच्छी नमकीन बनी है। तो हर रोज़ इसी तरह से नई नई रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये देखिए बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तैयार है। इसके बाद आप हमसे कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।